और गुलाम हैदर का वीजा भी लगेगा, गुलाम हैदर भारत में भी आएगा क्योंकि हमने पॉलिसी चेंज की है, और जो आज डेट थी उसमें हमने तारीख ली है, उसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिए हैं और कुछ तारीख हमारे सबॉर्डिनेट्स ने ली है क्योंकि मैं तो नहीं अटेंड कर पाया, तो उसमें हमने तारीख अगली ली है, उसमें 9 जुलाई तारीख आगे लगी है, तो उसके अंदर हम उससे पहले पहले हम अपनी गुलाम हैदर को भी ले आएंगे, अपनी सारी कानूनी कार्रवाई भी जो बनती है, जो हमें नेपाल से सबूत मिले हैं उनको भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे, जो कुछ नेपाल से इनके खिलाफ जो भारत में आकर के गवाही देने के लिए लोग तैयार हुए हैं उन लोगों का हवाला भी हम कोर्ट में रखेंगे और सारी दुनिया के सामने उन चीज को हम रखेंगे। तेरे को कौन सा एकदम नागरिकता की चिंता थी? तू कैसे भारत में पैर पसारना चाह रही थी कि शपथ लेनी, तूने ढोल बजवाने शुरू कर दिए हैं? तो इससे क्या साबित हो? तू हम भारतीयों से ज्यादा है क्या? हम भारत के लोगों से ज्यादा वफादार है क्या तू भारत की? एक नंबर की तू जो है हमारे अपने देश की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? तो ये सब ड्रामे हैं, भारत सरकार भी तेरे ड्रामों को समझ रही है और हमारे भारतीय भी तेरे ड्रामों को सब समझते हैं कि कौन से ढोल है। ढोल तो हम भी बजाएंगे, ढोल तो भारतवासी भी बजाएंगे, जिस दिन तू जेल जाएगी उस दिन देखना ढोल, उस दिन देखना पटाखे, उस दिन देखना मिठाइयां कैसे बटेगी, हम बताएंगे आपको ढोल कैसे बजते हैं, कैसे मिठाइयां बजती हैं, हम भी तो ढोल बजवाएंगे। और ये तेरा भाई जो महा झूठा है और इसने इसने 10 जगह कंप्लेंट दे रखी, इसने रघुपुरा थाने में कंप्लेंट दी, इसने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दी, दिल्ली पुलिस के कुछ नौजवान मेरे घर पूछताछ करने के लिए आए थे तो उन्होंने बताया कि वो नेपाल गए हुए हैं, तो फिर मेरे से मैंने उनको कहा मेरा नंबर दे देते, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली कंप्लेंट करी इन्होंने, इन्होंने पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ कहाँ कहाँ कंप्लेंट करी, क्या हुआ? कुछ हुआ? रघुपुरा ने तुम्हारे मुंह पे, रघुपुरा पुलिस ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा मारा ना, और जल्दी जहां जहां से कंप्लेंट आएगी वहां वहां से तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगेगा। तो ये झूठ की दुकान है, इनको सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इनका झूठ पकड़ा गया है और सीमा का भी झूठ बुरी तरीके से पकड़ा गया, एक्सपोज हो चुकी है, पशुपतिनाथ मंदिर से भी, होटल से भी, डेट ऑफ बर्थ से भी, और शादी के सिलसिले से भी, और हैदर के मामले में भी कि हैदर मारता था ये करता, ये पूरी तरह झूठ बोल चुकी है, इसकी वैल्यू खत्म है, कोई इसको देखना पसंद नहीं करता, सारी दुनिया को इसको झूठ के बारे में पता लग चुका है। ये मेरे बारे में बात करते हैं कि मोमिन क्रिमिनल है, मोमिन बदमाश है, अरे मैं तो क्रिमिनल हूं, बदमाश हूं, अपने लिए हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, बता तेरे से मुझे क्या रिश्तेदारी जोड़नी है, तुझे तो जेल करा दूंगा, ठीक है चिंता मत करे। पारुल भी, पारुल के अंदर भी कोई कमी थी क्या? पारुल के अंदर क्या कमी थी? हेमंत के अंदर क्या कमी थी? हेमंत ने तेरी बेल कराई, तेरे लिए जो ना तुझे जेल से निकाला उसको भी तूने नहीं छोड़ा, तूने पारुल को भी नहीं छोड़ा, तो जिसको चाहे उसको गालियां दे, तू कह रही है बच्चों को बोलते, अरे बच्चों के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, पारुल भी बच्चों के लिए बोलती है, हम भी बच्चों के लिए बोलते हैं, आस्था माँ भी बोलती है, और जितने भी हमारे भाई बहन है, वो काका गुजर है वो हो गया, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, शाहिद भाई है, और चाहे इंडिया के हैं, चाहे पाकिस्तान के, चाहे कहीं के भी हैं, वो सारे तमाम लोग बच्चों की तो लड़ाई के लिए बोलते हैं, बच्चों के बारे में तो किसी ने भी गलत नहीं कहा आज तक, बच्चों के, तू जो झूठ बोलती है हम भारतीयों पे, तू भारत में रहती है, भारत का खाती है, भारत की का पहनती है, और हम भारतीयों को गालियां देती है, हम भारतीयों पे तू लांछन लगाती है, हम भारतीयों पे तू इल्जाम लगाती है, क्यों भाई? कौन है तू? है कौन तू? तू हमारे भारत में रह करके हम भारतीयों पर लांछन लगाएगी, हम भारतीयों पे झूठे इल्जाम लगाएगी कि मेरे बच्चों को कह रहे थे, अरे बच्चों, तेरे बच्चों के लिए तो भारतीय लड़ाई लड़ रहे हैं, तेरे बच्चों को ही तो हमने हैदर को दिलवाना है और तुझे जेल करवानी है, हमारे तो दो मकसद है, तुझे जेल कराएंगे और तेरे बच्चों को हैदर को दिलवाएंगे, हमारे दो मकसद है। मुझे क्या मिला? मेरे बारे में तूने इतना कीचड़ उछाला, मेरे दुश्मनों को भी अपने साथ लगा लिया, लगा ले, पहले भी जेल कटवाई है और जेल कटाऊंगा उनको, चिंता ना करें, 4 साल से मुकदमे झेल रहे हैं ना, 10 10 15 15 मुकदमे, और यही हरकतें करेंगे तो 20 मुकदमे और डालूंगा कम से कम, और 20 साल कोर्ट के चक्कर और कटाऊंगा, अगर यही नीच हरकत करेंगे तो करो ना, मेरा तो रोज का काम है, ये वकील हूं मैं, पर्सनल अटैक करेंगे या पर्सनल इस प्रकार की हरकत करेंगे तो जो तुम्हारा कुछ काम होने वाला भी था ना वो भी नहीं होगा, और 20 मुकदमे डलेंगे तुम्हारे पे, और 10 साल तुम्हें जो ना कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगा,
पांच साल तो हो गए चक्कर काटते हुए, तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 10 साल और चक्कर लगाने हैं कोर्ट के, या दोबारा जेल काटनी है, या फिर तुम्हें ठीक चलना है, ये तुम डिसाइड करो। और दोस्तों, ये एपी सिंह एक नंबर का झूठा इंसान है, बाहर जाके गलत इंटरव्यू दे रहा है। इसको मेरी कंप्लेंट में बुलाया गया था और मैंने वो कंप्लेंट आप सबको दिखाई भी है। एक बार भी मैं दोबारा आपको वो कंप्लेंट दिखा देता हूं कि जिस कंप्लेंट पर इसको बुलाया गया था, ये आप देखेंगे, ये वो कंप्लेंट थी जिसके अंदर जो है, ये आप देखेंगे थाने की मोहर भी लगी हुई है, और इसके अंदर डॉक्टर एपी सिंह, सचिन मीना, सीमा हैदर, अनुज यादव फर्जी यूट्यूबर और कई 11 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ 153, 295, 292, 499, 500, 501, 500, 506, 120, 20, 67, 67A IPC के तहत, ये कुछ यूट्यूबर्स भी हैं 10-11, उनके खिलाफ मैंने ये कराया था, ये आप देखो। और ये थाने की मोहर लगी हुई है, ये देखो आप। तो ये कंप्लेंट मैंने दर्ज कराई थी, उसमें पूछताछ हुई थी। और कभी भी जो शिकायतकर्ता होता है, शिकायतकर्ता को कभी पुलिस नहीं बुलाती, बल्कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है, जो एक्यूज्ड है, उनको बुलाया जाता है कि बताओ भाई तुमने ऐसा क्यों किया, इस बारे में जवाब दो। अरे ये बाहर निकल के कह रहा है जी हमने कंप्लेंट कर दी। अबे तेरी कंप्लेंट का कौन पूछ रहा है, तेरी कंप्लेंट तूने रबूपुरा में भी करी, तूने सोनीपत में भी करी, तूने दिल्ली भी करी, दिल्ली पुलिस में साइबर सेल को कहां कहां, और तूने पानीपत में नहीं, क्या हुआ बता, क्या हुआ, सबको पता है कौन है तू, झूठा एक नंबर का, ठीक है ना। तो ये मुंह की खा चुके हैं, इनको छुपने के लिए जगह नहीं है। एपी सिंह के तो मुंह में चकुंदर फंसी हुई है। अगर वो सीमा को छोड़ता तो लोग कहेंगे ये तो नामर्द है भाई, ये तो छोड़ दिया इसने, अगर खाएगा तो कोड़ी हो जाएगा, तो तेरे मुंह में तो चुकंदर फंसा दी हमने। अब बेटा तू कभी तो नेपाल जाएगा, कभी तू पानीपत आएगा, कभी तू रबूपुरा आएगा, कभी तू जेवर आएगा, कभी तू गौतम बुद्ध नगर आएगा, कभी तू चंडीगढ़ आएगा, और अभी तो रुक जा, अभी तो क्या, तेरी बुढ़ापे में वो विराम गति करूंगा कि जिंदगी में याद रखेगा तू, तुझे पता लग जाएगा मोमिन मलिक से कैसे टक्कर लेते हैं। वकील है ना तू, तू वकील है, तू अपने से बड़ा भारत में किसी को वकील नहीं समझता। एक नौजवान बेटी, एक नौजवान बेटा जो ताजी ताजी वकालत पढ़ के आए हैं भारत में, वो भी तेरे से अच्छे हैं। कभी तेरे दिमाग में भ्रम हो कि बस एपी सिंह ही है और कोई है ही नहीं, कानून का तुझे तुझे पता है और को जानते नहीं। अब आना पानीपत आना, एक अपने आप को तू कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, पानीपत की पुलिस ने तुझे नोटिस दिया, आया ना तू पानीपत, 12 बजे से 6 बजे तक तू मौजूद रहा ना, कैमरे की रिकॉर्डिंग है वहां, तुझे कैमरे कहे तो मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवा लूं थाने की, वो भी है मेरे पास। 12 बजे से रात शाम को 6 बजे तक थाने में रहा, और सचिन भी रहा, और सीमा को दस्त लगे जी मुझे मोमिन मलिक मार देगा, मैं तो खतरा है, मैं तो नहीं आ सकती, मेरे बयान यही यही करो। तो हमने बोल दिया पुलिस वाले को कि कोई बात नहीं, उसके वही बयान लेके आओ, और जब अरेस्ट करेंगे रघुपुरा से अरेस्ट करके लाएंगे उसको, चिंता मत करो। तो दोस्तों, झूठ के कभी भी पैर नहीं होते, झूठ के कभी भी पैर, सच्चाई को आने में समझने में बेशक देर लग जाए, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। झूठ के कभी भी पैर नहीं होते, कभी भी पैर नहीं होते। एक ना एक दिन कुछ कुछ टाइम के लिए झूठ से राहत मिल सकती है इंसान को, झूठ बोल के, लेकिन आने वाले समय में वो झूठ जब पकड़ा जाता है तो झूठ बोल के इंसान जो है शर्मिंदा होता है। तो ऐसा काम क्यों करोगे आप, झूठ बोलो क्यों, लोगों को गुमराह करो। तो ये सारी बातें आपके विषय में रख दी है। बाकी नेपाल में मैंने अपना सारा जो लीगल काम था वो सारा पूरा कर दिया है, कहाँ कहाँ गई है, क्या कैसे 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 हुआ है, और कुछ बातें जो मुझे पता चली हैं कि ये 2019 में भी नेपाल में मौजूद थी, और इसके साथ 4 पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, एक हैदराबाद का इंसान मौजूद था, एक राजस्थान का इंसान इसके साथ था वहाँ पर, और ये कैसीनो में भी, और जो जितने भी ये जो हुक्का बार्स हैं उनमें ये इसका बहुत बड़ा रोल था वहाँ पर। तो उस बारे में भी मैं अपनी जांच कर रहा हूँ, उस बारे में भी मैं साक्ष्य जुटा रहा हूँ, और उन 2 पाकिस्तानी जो इसके 4 पाकिस्तानी साथ थे
उनमें से दो लोग जो है वो नेपाल की जेल में है, जिनका एक का पासपोर्ट मेरे पास आ चुका है, और कौन कौन लोग जेल में है मैं जेल में जाके उनसे मिलूंगा, उनसे पता करूंगा कि कौन कौन आदमी थे, कैसे थे और क्यों यहाँ रहते थे, क्यों ये आई थी, क्या ये वही सीमा है जो 2019 में इनके साथ थी या कोई और सीमा है। एक बहुत बड़ी जांच, एक बहुत लंबी मैंने बाल की खाल निकालने की कोशिश की है और एक एक चीज दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है, वो मैं लेके आऊंगा। और चाहे मुझे हो सकता है कि मुझे कई बार नेपाल में आना पड़े तो मैं कई बार आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं अपना सारा जो है वो करूंगा और दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए केस पकड़ा है और इंसानियत के लिए इसको पूरा करेंगे। एपी सिंह ने यह कहा, आज मैंने देखा उसके इंटरव्यू में, किसी ने मुझे भेजा कि मोमिन मलिक तो वहां नेपाल पैसे लेने जा रहा है। तो श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं कि नेपाल जब बॉर्डर आप क्रॉस करते हो तो आपकी चेकिंग होती है, आपके बैग की भी मशीन में रख के चेकिंग होती है, आपकी खुद की पर्सनल चेकिंग होती है, और बाकायदा उसमें लिखना पड़ता है कि आप कितने पैसे लेके आ रहे हैं, कितने लेके जा रहे हैं। तो मोमिन मलिक को, मोमिन मलिक इतना गरीब नहीं है, मोमिन मलिक की ऐसी हालात नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क मुझे पैसे देगा और जब भी मेरा गुजारा चलेगा, ठीक है ना। दूसरे मुल्क के आदमी पे मैंने ही अपने पास से कई लाख रुपए लगा दिए इंसानियत के नाते, ठीक है, दूसरे से तो मैं क्या लूंगा, मैंने खुद इंसानियत के नाते दूसरे मुल्क के उस आदमी पे पैसे लगा दिए सिर्फ इंसानियत के नाते।